भाई अब मुझे मिल चुकी हैं गोलियां और ये हैं 9 mm की। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो भाई टुडे आई एम गोइंग टू एक्सपीरियंस समथिंग न्यू एंड आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर इट एंड आई होप यू गाइस आर गोइंग टू लाइक इट टू। लेकिन उसको इस वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर नहीं किया हुआ, और बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलते हैं आगे और देखते हैं किस तरह का। I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy, yeah. तो भाई ये है अंदर जाने का रास्ता और हम जा रहे हैं। ये है इनका अंदर का माहौल और जो कि काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है इन लोगों ने, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर देखें आप SMG Chinese और ये है पिस्टल 455, ये है स्टैंड गन और ये भी स्टैंड गन है। तो भाई ये ले लिया हम लोगों ने इनका टोकन और अब हम लोग जा रहे हैं रेंज की तरफ। साथ में हमें एक कार्ड भी मिला वॉक इन गेस्ट। अब जिस जगह हम लोग पहुँचे हैं वो है गैरिसन शूटिंग क्लब और वो है रास्ता। आवाज़ें आ रही हैं आपको गोलियों की। टाइम ऐसे शूटिंग रेंज पर आया हूँ और बिल्कुल नया एक्सपीरियंस है, देखते हैं कि किस तरह का रहता है। हम लोगों को जाना है वो उस कॉरिडोर से दूसरी साइड पे, क्योंकि मैं यहाँ पर 9 mm की शूटिंग करने आया हूँ। तो 9 mm वाला दूसरी साइड पर है और उसके बाद हम कोई गन या राइफल भी ट्राई करेंगे। तो भाई ये है अब मेरे सामने शूटिंग अरीना और चलते हैं यहाँ पर, देखते हैं किस तरह का है। तो ये बहुत नया एक्सपीरियंस है और मुझे काफ़ी मतलब एक डिफरेंट सा लग रहा है। अब मैं आया हूँ यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं है भाई, यहाँ तो कोई भी नहीं है, हम लोग ही हैं। अभी हम लोग आए हैं शूटिंग अरीना के अंदर, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं है यार, तो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ। तो भाई ये है रास्ता अंदर जाने का, ये है रास्ता आउटडोर का। तो भाई अब मुझे मिल चुकी हैं गोलियां और ये है 9 mm की और अब चलते हैं यहाँ पर और चलाते हैं। ये हैं 15। You cannot stop me, I'ma make it to the top spicy. Caught a covenant, not cocky. You cannot break me, this world's mine for the taking. Got an itch, man, I'm making. I'll keep my head down and grind and be patient. I'll take a stab at the top and the sailing. They can all try, but you cannot contain it. Cause I see the things that I want and I take on my goals myself. मेरे कान बंद हो चुके हैं, पहले मैंने अभी 9 mm चलाया और उसके बाद अभी मैं गन चलाने का वेट कर रहा हूँ। एमओ मंगवाया है अभी।
सो गाइस ये थी शूटिंग आपने मेरी देखी, और अभी मैं कहीं पर बैठ के आपको अपने टारगेट भी दिखाऊंगा जो मैं मतलब जिन पर मैं चला रहा था गोलियां, और गोलियां चलाते चलाते शूटिंग करते करते टाइम का पता ही नहीं चला, अंधेरा हो गया। उफ बहुत मज़ा आया, लेकिन यार ये कान मेरे बिल्कुल बंद हो गए थे और मेरे नहीं बता सकता। खैर अभी मैं कहीं पर बैठ के आपको अपना वो टारगेट दिखाता हूँ। ये अब निकल रहा हूँ मैं यहाँ से बाहर, और ये आप लोग देख सकते हैं ये सारे लोगों की पिक्चर्स लगी हुई हैं। है बिल्कुल खाली, यहाँ पर इस साइड पे कोई नहीं होता, सारे लोग रेंज पर ही होते हैं। अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ पर, और स्टाफ भी बहुत अच्छा है इनका, मतलब अच्छा गाइड करते हैं और सही, मतलब फुल ट्रेंड है स्टाफ। और यहाँ पर लाहौर गैरिजन शूटिंग गैलरी अचीवमेंट्स, ये सब चैम्पियंस हैं जिन्होंने जिनको अवार्ड वगैरह मिले हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये है लाहौर गैरिजन शूटिंग गैलरी। I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. So bhai ye hai yahan ke ground ka raat ke time ka view, ek to andhera aur upar se goliyon ki awaazein aa rahi hain, to imagine karein kis tarah ka lagta hoga. Ab main ja raha hu parking ki taraf, uske baad hum jayenge kuch khane kyunki mujhe bhookh to Lahore mein bahut zyada pollution hai jiski wajah se smog bhi bahut hai aur गले वगैरह सबके ख़राब है, मेरा भी, और बस ऐसे ही तबीयत आज ठीक नहीं थी, लेकिन ब्लॉग बनाना था तो मैंने सोचा कि जाना चाहिए भाई। सो गाइस वहाँ से निकलने के बाद अभी मैं आया हूँ, देख लो कहीं पे भी, अभी मैं आया हूँ यहाँ मेज़बान रेस्टोरेंट, खाना वगैरह खाते हैं और देखते हैं कैसा है। ये है बेदियाँ रोड पर, और चलते हैं अंदर। तो भाई ये है इनका मेन्यू, और खोलते हैं और देखते हैं क्या है इनके पास का मेन्यू। और यहाँ पर बहुत कुछ है, हलाल बियर भी है और तंदूर, ये वो सब कुछ है पाकिस्तानी कुजीन। अभी हम लोग पहुँचे हैं रेस्टोरेंट मेज़बान कैफ़े मेज़बान, तो यहाँ पर आए हैं, खाना वगैरह ऑर्डर किया हुआ है और बैठे हैं इनके रूफ टॉप पर, और अब मैं आपको दिखाता हूँ अपने टारगेट्स। इधर आओ, तो ये देखें, ये जो है ये 9mm का है जो मैंने 9mm चलाई थी। और तो अब आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये जो लाइन्स हैं ना, इन लाइन्स के अंदर अंदर जितने भी लगेंगे वो गुड कंसिडर होंगे, और जैसे मेरा एक ये बिल्कुल परफेक्ट लगे ये, उसके अलावा जैसे दो ये हैं 9 में और दो यहाँ पर लगे हैं 8 में, बल्कि एक ये भी है थोड़ा सा बाहर है, तो ये तक जो यहाँ तक है ना 8 तक इन लाइंस के अंदर अंदर वो गुड कंसीडर। ये जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर 5 से भी ऊपर जा रहा है आधा, ये मेरा फर्स्ट वो था, ये पहली दफ़ा जब मैंने शॉर्ट किया था ये पहली मेरी वो चली थी जो यहाँ पर आके लगी थी,
उसके बाद बेहतर करते 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 नीचे आते आते एंड हम यहाँ पर आए। और निशाना अगर अच्छा हो तो एक गोली काफ़ी होती है, समझ रहे हो ना। खैर उसके बाद हम लोग आते हैं M5 राइफल में और ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है, ये आप लोग देख सकते हैं 786। ये ब्लैक देख रहे हैं आप, ब्लैक के अंदर जितने भी होंगे वो गुड कंसीडर होंगे। तो मेरे जितने भी मैंने 30 राउंड चलाए थे, 30 गोलियां चलाई थी जिसमें से 30 की 30 गोलियां इसी के अंदर लगी हैं। तो मतलब ये तो मेरा बिल्कुल परफेक्ट लगा है ना, इसके अंदर भी लगी। 9mm की मैंने चलाई थी तकरीबन 20 बुलेट्स और राइफल में 30 गोलियां, टोटल 50 गोलियां चलाई आज भाई ने। और जिसमें से राइफल तो बहुत एक्सीलेंट रही है, लेकिन 9mm का थोड़ा मसला ये था कि वो उसका जो एम था उसमें मुझे सही से देख नहीं रहा था क्योंकि अंधेरा हो रहा था, इस वजह से मुझे सही नज़र नहीं आ रहा था। इसमें थी लेज़र, राइफल में लेज़र थी, उसकी वजह से मुझे काफ़ी आसानी हुई। तो भाई अब आ चुका है खाना और ये है शीश टोक और यहाँ पर ये है, ये क्या है, और ये है अचारी हांडी और साथ में है रोटियाँ और ये खाना शुरू करते हैं। और भाई खाना वगैरह खा लिया है और साथ में पैक भी करवा लिया है क्योंकि हमें इनका बहुत पसंद आया है खाना, इसलिए हमने इनका पैक भी करवा लिया नाइट शिफ्ट के लिए। तो इसी के साथ साथ आज के व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और गोलियों का शोर अभी तक मेरे कानों में गूंज रहा है, अभी तक मेरे कान बंद हैं गोलियों की वजह से। खाना वगैरह हम लोगों ने खा लिया है और अब चलते हैं घर और इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।